चलिए आज हम बनाते हैं सूजी का बहुत ही हल्का नाश्ता। जब मन करता है कि कुछ परांठे वगैरह हैवी कुछ खाने का मन ना कर रहा हो तो उस टाइम लगता है कि क्या बनाए, तो हम आज बनाते हैं सूजी के अप्पे। देखिए सूजी के अप्पे बहुत ही लाइट नाश्ता है और फटाफट बन जाता है। दही और सूजी घर में हमेशा सबके होती है। हाँ, गोगिया व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए हम बनाते हैं सूजी के अप्पे लाइट नाश्ता। मैंने एक कटोरी बड़ी कटोरी ली है सूजी, बारीक सूजी ली है। आप दूसरी सूजी भी ले सकते हो, उसे ग्राइंड करके सूजी को ले सकते हो। और आधा कटोरी मैंने लिया है दही, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लिया मैंने। और ये सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे ताकि ज़्यादा ढीला ना बने, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। सूजी के अप्पे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बनने वाला नाश्ता है। सुबह ऑफिस स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे हो, तो कुछ ना हो तो फटाफट सूजी के अप्पे बनाइए। अब हम इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसके अंदर डालने के लिए सब्जियां ले लेंगे। ये मैंने धनिया लिया है, बीन्स लिया है, प्याज लिया है और शिमला मिर्च लिया है। अगर आपके पास और सब्जियां हैं तो वो भी ले सकते हो। और फिर हम बनाएंगे, अब हम बना लेंगे इसके लिए अप्पे के साथ चटनी। ये मैंने धनिया लिया धो के, और 2 हरी मिर्च लिया है, और 3-4 पीस मैंने लिए हैं लहसुन के, ये लहसुन के। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और नमक। ये मैंने नमक डाल दिया है, अब थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर, और 2 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी और 2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर दही। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल दो। तो अब इसे हम ग्राइंड करके इसे साइड पर रख देते हैं, और तब तक चेक करते हैं कि हमारी सूजी क्या फूल गई है। तो देखिए सूजी फूल चुकी है बहुत अच्छे से। ये देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने सब्जियाँ प्याज वगैरह काटे हैं अब वो उसे डालेंगे। तो इसे अच्छे से विस्कर से फेंट लेंगे। प्याज डाल देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई बीन्स डालेंगे, धनिया कटा हुआ ये सब डाल देंगे, और हरी मिर्च भी काट लेंगे। तो ये बीन्स डाल दी है और धनिया डाल दिया है धो के काट के, और ये हरी मिर्च डाल दिए विस्कर से। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि जितना हम इसे अच्छे से वो घोलेंगे तो हमारे सूजी के अप्पे उतने ही फूलेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और 1 छोटा चम्मच एक चुटकी भर हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा, जिससे अप्पे फूलें। तो इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप ये देखिए अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप चम्मच से भी इसे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं विस्कर से आप इसे करें। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये सूजी के अप्पे फूलें। अब हम एक अप्पे का स्टैंड लेंगे, क्योंकि अप्पे के स्टैंड में बहुत अच्छे अप्पे बनते हैं। तो गैस ऑन करके इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे, और थोड़ा ऑयल सारे उसमें डाल देंगे अप्पे के स्टैंड के। जितने भी अप्पे बनाने हैं उसके अंदर पहले हम ये ऑयल डाल देंगे, और अप्पे एक एक चम्मच से हम इसे डालते जाएंगे। ये अपने आप ही गोल बनेंगे, क्योंकि इसकी शेप गोल है तो अपने आप बनेंगे गोल बनेंगे। तो एक एक चम्मच इसके अंदर डालते जाएंगे। आप ये याद रखिए फ्लेम स्लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएं, नहीं तो आपके अप्पे जब तक डालेंगे तब तक वो नीचे से जलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए फ्लेम का ध्यान रखें, और सारे उसमें जितने भी अप्पे का होल बने हैं उसके अंदर आप एक एक चम्मच डालते जाएं आराम से, और फ्लेम का ध्यान रखें। ये साइड से अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। क्योंकि अप्पे गोल ही बनेंगे, क्योंकि इसकी शेप गोल है तो अपने आप ही गोल बनेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से
हमने सारे सूजी का बैटर डाल दिया है अप्पे के स्टैंड के अंदर, और अब हम इसे स्लो फ्लेम पे करके इसको ढक के रख देंगे। और अब चेक करते हैं, हमने 5 सेकंड के बाद देखा है कि ये बन फूल रहे हैं। ज़्यादा देर तक नहीं रखना क्योंकि इसे जलने का डर रहता है, तो आप बीच में से चेक करते रहिए। ये देखिए मैंने पलट के देखा है, तो ये देखिए बीच में ही, अगर आप ये स्टिक से देखेंगे तो अगर ये बन गया तो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। इसको ये पलटते रहिए ये ऑयल से। ये देखिए अगर नहीं कच्चा होगा तो उसके अंदर आपकी स्टिक चली जाएगी। अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये बन चुका है, ये अपने आप ही निकलेंगे। इसे पलट लेंगे, ये अप्पे के स्टैंड के साथ ही स्टिक मिलती है। आप फोक से भी चेक कर सकते हो, ये वो वाला नहीं बना तो तभी वो नहीं निकला क्योंकि वो जो आखिर में डाला है हमने। तो अब हम इसे, ये देखिए सारे अप्पे कितने अच्छे से बन रहे हैं। ये इसे भी पलट लेंगे, ये भी बन गया है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्पी अप्पे रेडी हो रहे हैं दूसरी साइड से भी। ये देखिए ये, अब हम इसको चेक करेंगे दोबारा से। अभी बहुत बढ़िया अप्पे बन रहे हैं, और अब हम पलट के देखते हैं दूसरी साइड से कि दूसरी साइड से भी बन गए हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी बन गए हैं। ये देखिए पलट लिए हमने, अप्पे रेडी हैं। अगर आप दोबारा से ऑयल उस दूसरी साइड से भी डालना चाहेंगे, अगर ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो आप ऑयल में और डाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये नॉनस्टिक स्टैंड है, इसके अंदर अपने आप ही निकलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा डालने की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑयल के भी बन जाते हैं। देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी अप्पे रेडी हैं। नाश्ता सुबह का सिर्फ 5 मिनट में आपका बैटर के साथ नाश्ता रेडी है। ये देखिए अप्पे, अब हम इसको निकाल लेते हैं अप्पे को। ये देखिए ये नॉनस्टिक की वजह से ये फटाफट निकल जाएंगे, और अब हम इसे, ये देखिए कितने फ्लफी अप्पे बने हैं, और इसको सर्व करेंगे हम हरी चटनी के साथ जो हमने बनाई है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता रेडी है, और इसे आप सुबह नाश्ते में पैक भी करके देख सकते हैं क्योंकि ये इतने फ्लफी होते हैं, ये सूखते नहीं हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।